पूरा देखना, क्योंकि आज हम एक नई जगह जा रहे हैं, आपको भी मजा, बहुत मजा आने वाला है। इट्स मी कार्तिक निहाल बैक इट अगेन माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम एक ऐसे जगह पे आए हैं, बहुत ही अलग जगह है, तो आप आगे देखते रहना क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है व्लॉग में। अभी यहाँ पर सामने हमारे एक कुआं है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट से। तो हमारा प्लान ना यहाँ का कल बन गया था, और अभी हमको कल करते हुए अभी लेट हो चुका है, अभी बज चुके हैं 10-11 बज चुके हैं। तो अभी हम ना थोड़ा सा देखते हैं, अभी हमारे जो साथ वाले हैं वो पीछे रह गए, तो अभी हमको उनके लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके बाद हम आगे जा पाएंगे। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुआं, यहाँ पर जो अभी हमको जस्ट अभी दिखा है। तो अभी हम यहाँ पर रुके थे और हमको यहाँ पर दिखा है एक सुंदर सा कुआं, जो कि आपको हम दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है कुआं, और इधर उधर की साइड की बहुत ही ज़बरदस्त जगह, और यहाँ पर अपने नए नए लोग आप देख सकते हैं हमारे साथ। तो अभी हम इन्हीं के साथ घूमेंगे, और अभी हमारे साथ वाले दो पीछे रह चुके हैं। बात ऐसी हो चुकी है कि जो हमारे साथ वाले हैं वो रह चुके हैं पीछे, अभी हम उनको लेने वापस जा रहे हैं। ये बादल की चाद। तो अभी इरादे हो चुके हैं लड़कों के चेंज, और अभी हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। चलो चलो चलो, अबे बैठो यार, चलो यार, अभी बहुत सफर बहुत लंबा है। अच्छा कम सर। थैंक यू थैंक यू। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल, ये बादल की चादर, ये तारों के। पहले हम जा रहे थे क्लाउड एंड, और उसके बाद हमने सोचा कि जॉर्ज एवरेस्ट चलते हैं, तो हम आगे पीछे हो गए थे ना इधर उधर दोस्त लोग, तो फिर अब हमने सोचा कि माइंस आए लंबीधार माइंस, जो कि मसूरी के बहुत नज़दीक है, तो अब इन्होंने गाने जल्दी कॉपीराइट आ जाएगा, तब तक के लिए मिलते हैं आपको। लो जी बिस्कुट खाओ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और नहीं नहीं एक बहुत है, टाइगर बॉम है ये। तो अभी हमने दो तीन जगह कैंसिल कर दिया है, अभी हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं, वो अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर भी बाइक वाला चक्कर था, मतलब स्कूटी वाला, तो यहाँ पर हम इनको पैदल नहीं चलना था, और यहाँ पर भी क्या है कि बीच बीच में उन्होंने गड्ढे करे हुए हैं, खोदे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब पैदल ही चलना पड़ रहा था। कुछ सड़क के बीच में ऐसे ऐसे कुछ ये अपने आप गिरा है कि पता नहीं, कुछ पता नहीं है। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप। अभी हम जिस जगह आ रखे हैं, तो इसको हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है मसूरी के अंदर, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रात में भी यहाँ पर काफ़ी लोग, अपने दोस्त लोग आए हैं, कैंपिंग वगैरह भी किए, तो ऐसे उन्होंने कुछ बताया नहीं था, तो मतलब ठीक ही ठीक रहता है, इतना कुछ हंड्रेड प्लेस लगता है सिर्फ, वैसे है नहीं, तो दिखाते हैं आपको एक बार। तो ये है भाई अपना हंड्रेड प्लेस, अभी देखते हैं वहाँ जाएंगे कि नहीं। तो गाइज अभी हम अभी यहाँ पे जस्ट पहुँचे हैं माइंस में, और अभी हमने यहाँ पे चिप्स कुरकुरे थोड़ा सा खा लिया है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। अभी हम जा रहे हैं माइंस की तरफ, और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, सो चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पीछे की तरफ एकदम बहुत ही गहरा गहरा है। तो अभी चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं एक मस्त सी जगह जहाँ पर आप आ सकते हो, और मतलब आपको एक सुकून वाली जगह चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हो, और ये एक वैसे हॉन्टेड प्लेस भी है, तो आप रात को यहाँ पर आके एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब कैंप कुंप अपना जो टेंट वगैरह है वो लगा के, है ना। सो अभी चलते हैं आगे। तो अभी अपने कुछ दोस्त वहाँ पर हैं, वो भी आएंगे फटाफट से, और उसके बाद चलते हैं हम इस जगह पर, यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या है। तो गाइस अभी चलते हैं आगे माइंस, दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या है। तो बिमला ये गाना सुन रहे थे तो काफ़ी मजा आ रहा था, तो चलते हैं आगे फटाफट। मैं यहाँ कमरे के अंदर आ चुका हूँ, और आप यहाँ देख सकते हो पीछे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और इस तरफ कुछ ऐसा। तो अभी चलते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर, ऐसा है भाई कुछ यहाँ का सीन, और मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ गए, कुछ पता नहीं चल रहा, किधर हो किधर हो किधर हो। ये बादल की चादर, ये तारों। तो आप देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी प्लेस है, और यहाँ पर जो गाना बज रहा है ना, क्या हुआ तेरा वादा, तो बहुत ही। तो हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर हैं, आप देख सकते हो मिस्टर नवीन, मिस्टर हम नहीं अंकित भाई, और मिस्टर मोहित।
और अपने एक भाई ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर बाला, जिनके साथ हमने पहले ब्लॉग बनाया था। तो हेलो बाला जी, कैसे हो? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मजे करते हैं दोस्तों के साथ, और यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है, क्या बताएं, बहुत ही जबरदस्त। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे की ओर, वहाँ पर आपको और व्यूज दिखाते हैं। हाँ जी, क्या दिख गया नीचे? रूस है? रूस रूस दिख रहा है यहाँ से, रूस ऐसे गांव की फीलिंग आती है। हाँ ये तो है। तो भाई अभी यहाँ पर तो यहाँ पर अभी ले रहे हैं हमारी फोटो। अब और यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही जबरदस्त, क्या बताएं। तो गाइस यहाँ पर आने के लिए आपको लाइब्रेरी चौक से लंबीधार माइंस के लिए आ सकते हो आप। यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही जबरदस्त जगह, भयंकर जगह कह सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं बराबर से। ये बादल की चादर, ये अभी हम वहाँ से वापस आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। देखते हैं अभी आगे पे रास्ते में क्या क्या दिखाते हैं आपको, है ना? तो चलते हैं फटाफट से। कैसी लगी आपको लोकेशन, बहुत कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है? तो अभी हम माइंस से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर एक अच्छी सी जगह दिखी है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि वो आपको दिखाना ज़रूरी है ना। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ओहो, हर बार ये कूड़ा करकट इतनी अच्छी जगह पे कितना कितना गंदा कर देते हैं लोग यार। बाकी आप यहाँ से लोकेशन चेक करोगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी लोकेशन। और जहाँ हम अभी गए थे वहाँ से वापस आ चुके हैं, इस जगह पे हम गए थे। अभी क्या हुआ, मैं तो आ चुका हूँ ऊपर और मेरे दोस्त लोग पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि कहाँ चले गए, कहाँ चले। तो अभी चलते हैं फटाफट से उनकी तरफ। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस। बाकी अगर आपको यहाँ पर आना होगा तो आप आ सकते हो। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम, पल दो पल हो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। सो गाइस, हमारे प्लान पे प्लान चेंज हो चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं माइंस से सीधा कंपनी गार्डन की तरफ। तो आपको दिखाते हैं कंपनी गार्डन का, वहाँ पर क्या क्या चलता है वो दिखाते हैं आपको, कंपनी गार्डन, है ना? तो चलते हैं, अभी मेरे पीछे ही ठीक पीछे कंपनी गार्डन है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस, हमारे साथ भी राइडरों की कमी नहीं है तो हमारे साथ भी एक से एक राइडर हैं। अभी बार हो जाए वही बाला 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 बाला। तो अभी आपका भाई पहुंच चुका है कंपनी गार्डन में और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम आगे आगे फटाफट। ये बादल की चादर, ये मसूरी जब आप आओगे तो कंपनी गार्डन भी आ सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर फोटो वाटो बहुत ही ज़बरदस्त आती है, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, मैं वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके डालूंगा, तो देखना ज़रूर एक बार। इस कंपनी गार्डन में घूमते घूमते हमने थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाई है और यहाँ पर अपने एक भाई हैं जिनसे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं। और आप यहाँ पर जब आओगे ना कंपनी गार्डन में, तो यहाँ पर आप क्लिक करवा सकते हो उनसे, आपको मिला कर। तो यहाँ पर अपने मुकेश भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छी फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पर। अगर आप कंपनी गार्डन में आते हो तो यहाँ पर आप इनसे फ़ोटो खिंचवा सकते हो और फुल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है? हाँ, तो आप कुछ कहना चाहोगे जी मुकेश जी? मैं तो भाई यही कहूँगा कि यार ठंडा बहुत है कोशिश करो कि गर्मियों में आओ। इसे मत आना, ये तो है, जाम हो जाओगे, हड्डी
कीर्तन करते लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे आ सकते हो, गर्मियों के टाइम पे एकदम बेस्ट है यहाँ पर आना कंपनी गार्डन के अंदर, और यहाँ पर आप फोटो बहुत अच्छी क्लिक करवा सकते हो, तो आना जरूर यहाँ पर एक बार। तो ये है कंपनी गार्डन का व्यू, बहुत ही अमेजिंग। तो अभी हम कंपनी गार्डन से वापस जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर हम काफी घूम चुके हैं और अब यहाँ चलते हैं वापस। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाएं हम पल दो पल, हो फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और अब हम नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।